हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है पार्थ परिवार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग को ये ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आप सबको पता है डेली शाम को 5 बजे ये ट्रिकी मैथ्स आपको मिल रही है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फास्ट मैट्रिक, कैसे अपने मैथ को हम फास्ट करें और भी ट्रिक के द्वारा विथ इन सेकेंड के साथ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आइए जुड़ते हैं और समझते हैं कैसे प्रश्नों की संख्या को हम सॉल्व करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे। दो केस में हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, केस नंबर फर्स्ट ये पढ़ने वाले हैं यदि दहाई संख्या के स्थान पे अंक बराबर हो, दहाई संख्या के स्थान पे अंक बराबर हो और इकाई के अंकों का स्थान 10 हो तो ऐसे संख्याओं का गुणनफल कैसे हम करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया 63 का 67 में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। सबसे पहले रूल क्या कहता है, रूल ऑफ फर्स्ट कहता है कि ध्यान रखिए इकाई के मान का योग 10 होना चाहिए। 7 3 कितना 10 और इनका सेम नंबर होना चाहिए। अगर इकाई के स्थान पर सेम नंबर है, दहाई के स्थान पर सेम नंबर है और इकाई के स्थान पर योग 10 होना चाहिए तो ऐसे संख्या का गुणनफल फटाक से आ जाएगा। कैसे, कुछ नहीं, 7 3 मेरे भाई कितना हो गया 21 और 6 के आगे क्या आता है, 6 के आगे आता है 7, 7 42। इस प्रश्न का आंसर हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। कैसे, आप 63 का 67 में मल्टीप्लाई करिए, ये जगह 7 3 21 हासिल दो, 7 6 42 42 दो कितना हो गया 44 मल्टीपल 6 3 18 हो गया, 6 6 36 36 एक मेरे भाई कितना 37, ये हो गया 1 और 2 और 2 ये 42 आया। ना गजब का तरीका, बिल्कुल एक ही तरीका, लास्ट नंबर का योग 10 होना चाहिए और फर्स्ट नंबर सेम होने चाहिए, लास्ट नंबर का मल्टीपल फर्स्ट नंबर के आगे का मल्टीपल का संख्या हो जाएगी। जी हाँ, ये लीजिए प्रश्न की संख्या, देखिए फर्स्ट नंबर आपका सेम होना चाहिए, लास्ट नंबर का मल्टीपल करिए, 7 3 वैल्यू कितना 21, 4 के आगे क्या आता है 5 5 6 20 हुआ ना आंसर। सिंपल सा तरीका है ऐसे प्रश्नों का योग करने के लिए, 7 3 कितना हो गया 21, 5 के आगे क्या आता है 5 के आगे आता है 6 6 5 हो गया कितना 30 हुआ ना 30 21। तो प्रश्न की संख्या मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट प्रश्न का योग 10 होना चाहिए और लास्ट नंबर का दहाई स्थान जो होगा वो सेम स्थान पे होना चाहिए, उस नंबर को आगे से हम मल्टीपल कर लेंगे। जी हाँ, ये लीजिए अगला प्रश्न, अगर मैंने कहा 117 का मल्टीपल 113 में करना है, सिंपल सा फंडा है, एक ही चीज करिए कि आगे का नंबर अगर सेम है, आगे का नंबर अगर सेम है, दहाई का नंबर अगर सेम है, इकाई के मान का गुणा कर लीजिए, इकाई का मान गुणा करिए 7 3 मेरे भाई कितना 21, 11 के आगे कौन संख्या आती है, 11 के आगे संख्या आती है 12 और 12 और 11 का मल्टीपल जैसे ही करेंगे, 12 और 11 का मल्टीपल जैसे करेंगे 132। अब दिमाग में प्रश्न आया, सर इस प्रश्नों की संकलक तो मैंने कर लिया, अब हम देखिए इस प्रश्नों के साथ साथ 11 का भी मल्टीपल बहुत आता है, 11 का भी मल्टीपल आप सभी को आना चाहिए। जी हाँ, आइए कुछ सीखते हैं रूल ऑफ 11। अगर ये ट्रिक के द्वारा हम रूल ऑफ 11 के बारे में जाने तो रूल ऑफ 11 से संख्याओं का संख्या अगर 11 से गुणा हो जाए तो क्या होगी। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में सेट कर रहे हैं आप, एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप मन में रख रहे हैं तो ये ट्रिक महीनों भर में बता रहा हूँ 30-40 वीडियो में आपके कंपटीशन, आपका लेवल, आपका मैथमेटिक्स सब कुछ चेंज होने वाला है। जी हाँ, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना है, इसीलिए ट्रिकी मैथ्स शाम को रोज डेली 5 बजे आप सभी को मिलती है, आप सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे, आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। रूल ऑफ 11 क्या कहता है, देखिए प्रश्नों की संख्या अगर मान लीजिए 52 का मल्टीपल 11 में हो रहा, अब 11 का मल्टीपल किस संख्या में होता तो क्या करना पड़ता है, करना कुछ नहीं पड़ता मेरे भाई, करना ये पड़ता है यहाँ 2 लिख लो लास्ट में या यहाँ 5 लिख लो और 5 2 7 ये हुआ आंसर। लास्ट लास्ट नंबरों को लिखने के बाद बीच में उनका सम कर दीजिए। जी हाँ, मान लीजिए मैंने कहा 63 का मल्टीपल 11 में करना है, 63 का मल्टीपल 11 में करना है, बीच में 3, बीच में आपका 6 6 3 9 सारे कॉन्सेप्ट एक ही साथ आपको मिलेंगे, आंसर आएगा 693। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। जी आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 7 3 मल्टीपल कितना हुआ 11, आपको यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 7, 7 3 कितना 10, 10 की लिखना है 0 और कैरी 1 इसमें जोड़ देना है, 800 कितना आ गया 3। ठीक है, अब ये नंबर हो गए बहुत छोटे नंबर, मगर इससे बड़े बड़े नंबर भी हमारे पास आ सकते हैं। जी हाँ, आ गया 7 4 2 5 3 2 11 से मल्टीपल करना है,
जी हाँ बिल्कुल, 11 से मल्टीपल करना है, बच्चे उतरा करना बंद करेंगे, सिंपल फंडा रहेगा, सिंपल फंडा रहेगा। यहाँ लिखो 2 और यहाँ लिखो मेरे भाई कितना, 7। ऐड करना शुरू करो, चलो 3 2 कितना हुआ 5, चलिए 5 3 कितना हो गया 8, फिर देखिए 5 2 कितना हो गया 7, फिर देखिए 4 2 कितना हो गया 6, अब देखो 7 4 कितना हो गया 11, 11 की एक कैरी हो गई, एक डबल संख्या निकले, 11 की एक हासिल, एक और एक इसमें जोड़ दोगे 7 1 कितना 8, आंसर ये आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 81 67 85 2। जी हाँ, जैसे अगर नंबर का मल्टीपल किसी नंबर में करना है, मान लीजिए मन नंबर करना है 23 53 22 मल्टीपल 11, इसका मल्टीपल करना है जी, अगर 11, अगर आप चेक करना चाहे चेक भी कर सकते हैं, 11 2 9 22, 33 2 35 55, 11 55 58 22 27 44 46 77, आप आराम से निकाल लीजिए। इस प्रश्नों की संख्या लगानी है, मैंने कहा फटाक से आंसर आया, ये रहा आपका जबरदस्त ट्रिक, कैसे, यहां हो गया 2, यहां हो गया 2, एडिंग करिए 3 2 मेरे भाई कितना 5, 5 3 बोलो कितना 8, 5 3 बोलो 8 और 3 2 बोलो कितना 5, ये हुआ ना आंसर। मतलब अगर कैरी गई तो बगल वाले से आपको ऐड भी करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक कैरी का क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए दो तरीके से मैंने केस पढ़ाया, पहला केस मैंने ये पढ़ाया, संख्या का अगर इकाई मान का जोड़ 10 हो, दहाई स्थान समान है तो आपस में गुणनफल लगा सकते हैं, और एक केस आपको 11 का सिखा रहा हूँ, बहुत सारा केस सिखा रहा हूँ, बस सीखते चलिए। अगर मान लीजिए प्रश्न आया 85 74 64 मल्टीपल हो गया 11, एक प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला जानने के लिए मैंने कहा यहाँ आप 4 लिख दिया करिए, फिर देखिए 6 4 मेरे और यहाँ 8 लिख दिया करिए, देखिए 6 4 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 1 11 हासिल लगा 1, 7 4 11, 11 1 12 हासिल लगा 1, 7 5 12, 12 1 13 हासिल लगा 1, 8 5 13, 13 1 14 हासिल लगा 1, और 1 जाके इसी 8 में ऐड हो जाएगा, और 8 में ऐड होगा 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 4 3 2 1 0 4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मल्टीपल का केस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप सभी लोग अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही साथ अब कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी और कितना आप सभी को मजा आ रही है। हेल्पफुल चाहिए और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 5 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास, टेक केयर भाई।